दोस्तों ये एक ही वेबसाइट का डेटा है बट यहाँ पे यूजर 24 दिखा रहे हैं और यहाँ पे यूजर सिर्फ मुझे 8 दिखा रहा है, तो ऐसा डिफरेंस क्यों हो रहा है? गूगल हमारे साथ ऐसा अलग अलग डेटा हमें क्यों दिखा रहा है? हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पेड वर्स एंड आई होप कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल गूगल एनालिटिक्स और गूगल सर्च कंसोल के बारे में, जिसके बारे में बहुत कम लोग डिस्कस करते हैं लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सुनने में काफ़ी इजी क्वेश्चन लगता है और लोगों को लगता है कि इसके बारे में आप काफ़ी कुछ जानते हैं, बट ऐसा नहीं है। इसमें अभी भी बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि इन दोनों टूल का एक्चुअल डिफरेंस क्या है और इन दोनों टूल को आपको कब यूज़ करना चाहिए और कौन सा टूल आपको ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। तो अगर आप कहीं SEO के लिए इंटरव्यू देने भी जाएंगे तो आपको सबसे बेसिक सवाल ये पूछा जाता है कि गूगल एनालिटिक्स और गूगल सर्च कंसोल का डिफरेंस क्या है। बहुत लोग इसका आंसर नहीं दे पाते हैं। जैसे रिसेंटली मैं एक बंदे का इंटरव्यू ले रहा था जिसका 400 का एक्सपीरियंस था, उसको मैंने सिर्फ ये पूछा था कि बेसिक डिफरेंस बता दे और उसने मुझे बोला कि दोनों सेम होते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा है नहीं, दोनों सेम नहीं होते, क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे तो गूगल एनालिटिक्स में गूगल सर्च कंसोल में आप एक ही वेबसाइट को ऐड करते हो। जैसा अगर आप यहाँ पे देखो, मेरी एक वेबसाइट है gastric.com, इसके बारे में मैंने पहले भी बता रखा है आपको दूसरे वीडियोस में। तो ये एक वेबसाइट है जिसको मैं सिर्फ टेस्टिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करता हूँ, इसमें कोई भी मैं काम नहीं करता हूँ, कभी भी नहीं करता हूँ। तो अगर आप यहाँ पर कोई डेटा कम देख रहे हो तो आप इसके बेसिकली जज मत कर लेना कि आपका कोई परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है, तो ये जस्ट फॉर द एक्सपेरिमेंट है। तो अगर आप देखो तो यहाँ पर मैंने लास्ट 7 डेज़ का डेटा यहाँ पर अपडेट कर रखा है और यहाँ पे भी मैंने लास्ट 7 डेज सिलेक्ट कर रखा है, बट अगर आप देखो तो यहाँ पे जो मुझे टोटल क्लिक दिखा रहा है वो 8 दिखा रहा है और यहाँ पे आप देखो तो मुझे टोटल क्लिक 24 दिखा रहा है। तो दोस्तों ये एक ही वेबसाइट का डेटा है बट यहाँ पे यूज़र 24 दिखा रहे हैं और यहाँ पे यूज़र सिर्फ मुझे 8 दिखा रहा है, तो ऐसा डिफरेंस क्यों हो रहा है? गूगल हमारे साथ ऐसा अलग अलग डेटा हमें क्यों दिखा रहा है, हमें कन्फ्यूज़ क्यों कर रहा है? तो इसी कन्फ्यूजन को हम दूर करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि इन दोनों टूल में से आपको कौन सा टूल यूज़ करना चाहिए, किस टूल को कब यूज़ करना चाहिए और सबसे ज़्यादा किस टूल पर आपको भरोसा करना चाहिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गूगल एनालिटिक्स और गूगल सर्च कंसोल में गूगल सर्च कंसोल क्या होता है। तो सबसे बेसिक डिफरेंस बता दूं कि जो गूगल सर्च कंसोल में आपको डेटा दिखता है वो प्री क्लिक डेटा होता है, गूगल एनालिटिक्स में आपको दिखता है डेटा वो आपका पोस्ट क्लिक डेटा होता है। डिफरेंस यही है कि गूगल सर्च कंसोल में आप गूगल का बिहेवियर देख सकते हो कि आपके वेबसाइट के लिए गूगल का बिहेवियर कैसा है, गूगल आपके वेबसाइट को किस तरीके से देख रहा है और उसमें क्या क्या एरर है जिसको फिक्स करने के लिए बोल रहा है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो विद द हेल्प ऑफ गूगल सर्च कंसोल। गूगल एनालिटिक्स में आप देख सकते हो कि आपका यूज़र का बिहेवियर कैसा है, आपके यूजर्स का बिहेवियर दिखाता है कि आप कोई पर्टिकुलर बंदा अगर आपके वेबसाइट पे आ रहा है तो उसका बिहेवियर कैसा है, वो कैसा, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स से ही पता चलती है, गूगल सर्च कंसोल में आपको डेटा नहीं मिलेगा। तो दोस्तों प्री क्लिक डेटा का मतलब ये होता है कि जब आप कोई ब्लॉग पोस्ट करते हैं अपने वेबसाइट पे तो उस ब्लॉग पोस्ट करने के बाद आप उसको इंडेक्स कराते हैं, फिर वो आपका वेबसाइट गूगल में रैंक करता है और फिर उसके बाद उस पर यूजर्स आते हैं। तो आपके वेबसाइट को पोस्ट करने से लेके आपके वेबसाइट को इंडेक्स होने तक गूगल आपके वेबसाइट को एनालाइज करता है कि आपके वेबसाइट का जो कंटेंट है वो कितना यूज़फुल है, कितना फ्रेंडली है, आपके वेबसाइट में क्या क्या एरर है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से और क्या क्या चीज़ें आपको फिक्स करनी है। जैसे कि आप गूगल सर्च कंसोल में कभी आए तो आपने नोटिस करा होगा कि आपको लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिखते हैं, जैसे पेजेस का ऑप्शन देख लिया आपने, यहाँ पे आपको वो सारे एरर दिखा देगा कि आपके पेजेस में 404 पेजेस हैं कि नहीं, आपके वेबसाइट में रीडायरेक्ट पेजेस हैं कि नहीं, आपके वेबसाइट में 404 सॉफ्ट पेजेस कितने हैं, आपके कितने पेजेस इंडेक्स नहीं हो रहे। तो ये फैक्टर जो होते हैं वो बहुत इफेक्ट करते हैं आपके वेबसाइट को रैंकिंग के लिए। तो अगर आपने कितना भी अच्छा कंटेंट लिखा है लेकिन अगर ये सारे फैक्टर को आप फिक्स नहीं करते हैं तो बहुत अच्छा कंटेंट भी कभी वेबसाइट पे रैंक नहीं करेगा और उस पे यूजर्स नहीं आएंगे। तो इनको फिक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपके वेबसाइट पे भी अच्छा खासा ट्रैफिक आए। साथ ही साथ अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे साइट मैप का एक ऑप्शन है जिससे कि आप गूगल को ये बता पाते हैं कि आप वेबसाइट में क्या एक्टिविटी चल रहा है, आपने क्या क्या नया चीज़ें ऐड करी और आप क्या चीज़ें एडिट कर रहे हो। तो गूगल वो सारी चीज़ें यहाँ से इजीली ट्रैक कर पाता है और जिसकी वजह से वो जज कर पाता है कि आपकी वेबसाइट कितना ज़्यादा यूजफुल है किसी पर्टिकुलर यूजर्स के लिए। अगर आप नोटिस करेंगे नीचे यहाँ पे पेज एक्सपीरियंस कोर वेब आइडल, तो इसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा अगले वीडियोस में डिटेल में। तो फिलहाल मैं बस इतना ही बता रहा हूँ कि ये क्या है और उसके साथ साथ आप देखें तो यहाँ पे AMP इशू, ब्रेड क्रम इशू, साइट क्रम, बेसिकली यहाँ पे आपको बता रहा है कि आपका वेबसाइट कितना ज़्यादा मोबाइल फ्रेंडली है। वो यहाँ पे आप मैनुअल एक्शन देख सकते हैं, तो गूगल आपकी वेबसाइट पर किस तरीके का कोई एक्शन लेता है या कोई पेनल्टी लगाता है तो वो यहाँ पे देख सकते हैं और साथ ही साथ रीजन भी देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप कोई लिंक पे ऑप्शन पे जाएंगे तो आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखता है कि एक्सटर्नल लिंक कितने आपके वेबसाइट में और इंटरनल लिंक। तो बेसिकली इसके बेसिस पे गूगल ये जज कर पाता है कि आपके वेबसाइट में जो पेजेस हैं वो कौन से पेजेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस पेजेस को उसको प्रेफरेंस देना है रैंकिंग के लिए और किस पेजेस को उसको लेस प्रेफरेंस देना है, वो सारी चीज़ें जज हो पाता है यहाँ पे इंटरनल लिंकिंग के थ्रू। अगर आप इस पर क्लिक करें कभी इंटरनल लिंकिंग के ऊपर, जैसे मैं यहाँ पे दिखा दूँ मोर ऑप्शन पे क्लिक करके, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे नंबर ऑफ पेजेस आपको दिखाएंगे कि किसी पर्टिकुलर पेज से नंबर ऑफ पेजेस कितने पेजेस इंटरनल लिंक के थ्रू कनेक्टेड है। उसी तरह आप यहाँ पे एक्सटर्नल लिंक पे आएंगे तो आप देखेंगे कि आपके कितने पेजेस जो हैं वो एक्सटर्नली कनेक्टेड है किसी वेबसाइट से। तो
ऑन दिस बेसिस गूगल ये जज कर लेता है कि आपके वेबसाइट में कौन सा पेजेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, किसको इंपॉर्टेंस देना है, किसको कम इंपॉर्टेंस देना है। साथ ही साथ देखेंगे तो यहाँ पे टॉप लिंकिंग साइट्स भी आपको दिख जाते हैं कि आपके वेबसाइट पे कहाँ कहाँ से लिंक आ रहा है, किसने आपको लिंक दे रखा है आपके वेबसाइट को। तो वो सारे डेटा यहाँ पे गूगल रीड करता है, एनालाइज करता है, उसके बाद जज करता है कि आपकी वेबसाइट जो है वो कितना यूजफुल है किसी पर्टिकुलर यूजर्स के लिए। अगर उसमें कोई फॉल्ट है तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाते रहता है साथ ही साथ टाइम टू टाइम, और ये चीज़ें अपडेट होता रहता है और इसको आपको फिक्स करना होता है। तो बेसिकली गूगल सर्च कंसोल में आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो आपको बताता है कि अगर आपकी वेबसाइट को रैंक करना है तो आपको क्या क्या चीज़ें फ़िक्स करनी है और क्या क्या चीज़ें आपको फ़िक्स नहीं करनी है। साथ ही साथ आप ये भी देखेंगे तो अगर यहाँ पे देखें तो जैसे मैंने लास्ट 7 डेज़ का डेटा कलेक्ट करा था पहले, अगर मैं लास्ट 20 डेज़ का भी कर सकता हूँ, लास्ट 3 मंथ, लास्ट 6 मंथ, या आप कस्टम डेट भी कर सकते हैं कि आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर डे या डेट या मंथ में देखना चाहते हैं तो वो चीज़ भी आप यहाँ से कर सकते हो। तो फिलहाल मैं लास्ट 20 डेज़ कर लेता हूँ तो मुझे लास्ट 20 डेज़ का मुझे पता चल जाए कि मेरा वेबसाइट सिर्फ गूगल में कैसे परफॉर्म कर रहा है। ये जो डेटा है दोस्तों, और ये जो डेटा है मैं यहाँ पे बता देता हूँ साथ ही साथ कि ये बेसिक डिफरेंस इसलिए यहाँ पे आ रहा है, इस वेबसाइट पे गूगल सिर्फ गूगल के थ्रू कितने बंदों ने आपके वेबसाइट पे क्लिक करा लास्ट 20 डेज के अंदर थ्रू गूगल, यानी जो 33 क्लिक दिखा रहा है वो सिर्फ गूगल का क्लिक है, यानी कि आपकी वेबसाइट किसी न किसी कीवर्ड पर रैंक करा होगा, किसी न किसी कीवर्ड पर आपके वेबसाइट का इंप्रेशन हुआ होगा और उसने यहाँ पे क्लिक करा है। 20 डेज में लास्ट 20 डेज में उसका एवरेज पोजिशन क्या रहा है, कितने परसेंट CTR रहे, कि कितने बंदों ने आपकी वेबसाइट पर क्लिक करा है आउट ऑफ 41, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिख रही है, ठीक है। तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो। तो बेसिकली इसका चेंज करने से, अगर मैं लास्ट 7 डेज, लास्ट 3 मंथ देख लेता हूँ फॉर एग्जांपल, अगर लास्ट 3 मंथ देखो तो आप देखिए लास्ट 3 मंथ में सिर्फ गूगल पे 90 बंदे जो है उन्होंने क्लिक करा है किसी पर्टिकुलर कीवर्ड पे मेरा, अगर ये ब्लॉग इंप्रेशन हुआ होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप जानना चाहते हैं कि वो कौन सा कीवर्ड है जिस पे मेरा इंप्रेशन हुआ है, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं नीचे क्वेरीज में, यहाँ पे आपको दिख जाता है कि किस कीवर्ड से आपको क्लिक आया है। तो जैसे देखिए यहाँ पे सिर्फ गैस्टिक किसी बंदे ने लिखा है तो 79 क्लिक्स आया है, और gastic.com लिखा है किसी ने तो 4 क्लिक्स आया है। इससे आपको ये भी पता चल जाता है कि कौन सा कीवर्ड आपको ज़्यादा CTR ला के दे रहा है। यहाँ पे अगर आप चेंज करो पेजेस का ऑप्शन पे जाओ तो पेजेस के ऑप्शन पे आपको दिख जाता है कि बेस्ड ऑन पेजेस आपकी वेबसाइट का किसी पर्टिकुलर पेज को गूगल किस तरीके से रैंक कर रहा है, किस पोजिशन पर रैंक कर रहा है, उस पर कितने क्लिक्स आए हैं थ्रू गूगल। दोस्तों मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो डेटा है वो सिर्फ गूगल का डेटा है, यानी कि गूगल पे कोई बंदा आया होगा तब उसने क्लिक करा होगा, सिर्फ गूगल का ही क्लिक है। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, ये जो क्लिक्स आ रहा है वो सिर्फ गूगल का क्लिक है, यानी कि बंदा गूगल पे आया होगा, उसने कोई कीवर्ड सर्च करा होगा, उसको इंप्रेशन आया होगा और उसके बाद ये जाके ये वाला क्लिक्स उसको आया है। उसके बाद आप डिवाइस भी देख सकते हो कि किस डिवाइस से गूगल पे आके बंदे ने सर्च करा आपकी वेबसाइट को और कितने बंदों ने उस पर क्लिक करा है। इसके अलावा आप डेट देख सकते हो तो डेट में आपको दिखा देता है कि किस पर्टिकुलर डेट में कितने बंदों ने क्लिक करा। जैसे अगर मैं देखूं तो हाईएस्ट क्लिक मेरा जो 4 है यहाँ पे 14 जनवरी को है, तो 4 बंदों ने क्लिक करा, यानी 4 इंप्रेशन हुआ, 4 बंदों ने क्लिक करा, यानी कि मेरे डोमेन नेम को सर्च करा और उस पर क्लिक कर दिया बंदों ने, तो इसलिए मेरा यहाँ पे 4 क्लिक्स आ गया। तो दोस्तों ये जो डेटा आपको दिख रहा है ये सिर्फ गूगल का डेटा है, यानी कि बंदा गूगल पे आया होगा तभी उसने क्लिक करा होगा, किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नहीं आया है। तो ये डेटा होता है आपका सर्च कंसोल में जो आपको दिख, लैंडिंग में आपको पोस्ट क्लिक डेटा दिखता है। पोस्ट क्लिक डेटा मतलब कि आपके वेबसाइट पे कोई यूजर्स आता है तो आप वहाँ पे देख सकते हो कि आपके वेबसाइट पे किसी यूज़र का बिहेवियर कैसा है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपके वेबसाइट पे जो यूजर्स है 24 आया है। अब 20 का मैं इसको वापस से लास्ट 7 डेज कर दूँ तो यहाँ पे 8 क्लिक है, यहाँ पे 24, तो इसका जो आंसर होगा वो ये है कि ये जो यूज़र आए हैं वो सिर्फ गूगल के थ्रू नहीं आए, हो सकता है वो आपके यूट्यूब से आए हो सकता है आपने कहीं सोशल मीडिया पे आपने लिंक दे रखा हो सकता है किसी जगह पे आपने बैकलिंक बना रहा है तो उसके थ्रू भी आए हों, या हो सकता है कि किसी और सर्च इंजन के थ्रू जैसे बिंग हो गया, डकडकगो हो गया, या और भी सर्च इंजन है उसके थ्रू आए हों। तो सारे यूज़र जो आपकी वेबसाइट पे आए हैं किसी भी डिफरेंट सोर्स से, किसी भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म से, तो सारा ओवरऑल यूजर्स आपको यहाँ पे पता चल जाते हैं। और यहाँ पे आपको 8 क्लिक पता चल रहा है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपके गूगल से 8 क्लिक आए हैं, तो आपको ये डिफरेंस पता चल गया कि अगर कोई बंदा गूगल पे आया है तभी उसने क्लिक करा है। और यहाँ पे बंदा जो 24 दिखा रहा है वो इसलिए दिखा रहा है क्योंकि बंदा कहीं से भी आ सकता है, जरूरी को गूगल से ही आया हो, तो वो डिफरेंस यहाँ पे आपको दिख रहा है। अगर आप यहाँ पे थोड़ा नीचे आए तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि आपका ट्रैफिक चैनल क्या है, कि डायरेक्ट ट्रैफिक कितना है आपको, ऑर्गेनिक सर्च कितना है, रेफरल कितना है, अदर करा है। जो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि अलग अलग प्लेटफॉर्म के थ्रू अलग अलग विजिटर आए होंगे, तो सारे आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। नेक्स्ट अगर आप नेक्स्ट देखो तो यहाँ पे आपको कंट्री भी दिखा रहा है कि किस कंट्री से कितने यूजर्स आए हैं। आपको यहाँ पे यूज़र बाय टाइम भी दिखा रहा है कि कितने टाइम पे आए हैं। अगर आप थोड़ा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे पर्टिकुलर पेजेस पे भी दिखा रहा है कि किसी पर्टिकुलर पेज का पेज व्यू कितना है, कितने परसेंट कितने यूजर्स आपके किसी पर्टिकुलर पेज को विजिट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें यहाँ पे थोड़ा सा
अगर आप राइट हैंड साइड में देखें तो यहाँ पे आपको डिवाइस भी दिखाता है कि किस डिवाइस से आपके यूजर्स आ रहे हैं। डेस्कटॉप से आपके वेबसाइट पे 83% यूजर्स आ रहे हैं, मोबाइल से 16% यूज़र आ रहे हैं। थोड़ा सा और एनालाइज करके बताऊँ थोड़ा सा, तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो यहाँ पे आपको डेमोग्राफिक बेसिस पे भी आप देख सकते हैं कि आपका एज आपके वेबसाइट पे जो यूजर्स आ रहे हैं उनका एज क्या है, किस एज के यूज़र्स आपके वेबसाइट पे सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। जेंडर उनका देख सकते हैं कि किस जेंडर के यूजर्स आपके वेबसाइट पर आ रहे हैं। उसके अलावा आप जियो देख सकते हैं कि उनका लोकेशन क्या है, उनका लैंग्वेज क्या है। अगर आप थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक्विजिशन देखने में मिलता है। एक्विजिशन में आपको ऑल ट्रैफिक सोर्स पता चलता है। अगर मैं इसको क्लिक करके दिखाऊं तो जैसे मैं चैनल पे जाऊं तो मुझे चैनल पे वो सारा डेटा दिख जाएगा कि आपके वेबसाइट पे किस किस सोर्स से आपके वेबसाइट पे यूजर्स आए हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए मुझे डायरेक्ट ऑर्गेनिक और रेफरल दिखा रहे हैं, यानी कि मेरे वेबसाइट पे डायरेक्ट लोग भी आए हैं ऑर्गेनिक सर्च करके भी। अभी ऑर्गेनिक सर्च सिर्फ गूगल का नहीं हो सकता, ये बिंग का भी हो सकता है, डकडकगो सा हो सकता है। रेफरल मतलब कि किसी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, यूट्यूब से अगर आए हैं या कहीं पे अपने बैकलिंक बना रखा है तो उसके थ्रू आए हैं। उसके अलावा देखिए यहाँ पे बिहेवियर का ऑप्शन आ रहा है। तो बिहेवियर में क्या होता है कि आपको बिहेवियर फ्लो बताता है। बिहेवियर फ्लो का मतलब कि आपके वेबसाइट पे जब कोई यूजर्स आता है तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि किसी पर्टिकुलर पेज पे जब कोई बंदा विजिट कर रहा है तो उस बेस से लेके उसने कौन कौन सा पेज विजिट करा, उसके बाद वो सारा डेटा आपको यहाँ पे पता चल जाता है कि जैसे कि पहले बंदा यहाँ पे आया, उसके बाद यहाँ पे गया, उसके बाद सीधे यहाँ पे गया, उसके बाद यहाँ पे, और उसके बाद लास्ट में यहाँ जाके वो उसने एग्जिट कर दिया। तो ये सारा आपको फ्लो मिल जाता है। तो ये एक बहुत अच्छा डेटा है आपको ये पता करने के लिए कि आपका जो यूज़र आपके वेबसाइट पे जब आ रहा है तो वो किस पेज पे सबसे ज़्यादा जा रहा है। जैसे मैं ऊपर जाऊँ तो आप यहाँ पे ऑल यूजर्स वाला ऑप्शन में क्लिक करते हैं अगर, तो आपको यहाँ पे ये आप इजीली पता कर सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर सोर्स से ट्रैफिक कितना। जैसे अगर आपको चाहिए कि आप जानना चाहते हैं कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक से कितना परसेंट आपके वेबसाइट पे यूजर्स आ रहे हैं, तो आप ऑर्गेनिक ट्रैफिक क्लिक करके अप्लाई कर दीजिए तो आपको वो डेटा दिख जाएगा कि आपके ऑर्गेनिक ट्रैफिक कितने आ रहे हैं वेबसाइट पे। ये देखिए दोस्तों आप यहाँ पे मैंने अगर ऑल ऑर्गेनिक ट्रैफिक सेलेक्ट करा तो ऑल यूज़र वर्सेस ऑर्गेनिक ट्रैफिक मेरा दिखने लगा। तो मेरा जो ऑल यूजर्स वाला है वो है ब्लू वाला, यानी कि मेरा ऑल यूजर्स जो है वो ब्लू है, जिसके अंदर ऑर्गेनिक ट्रैफिक जो मेरा सिर्फ ऑरेंज ऑरेंज पोर्शन है। तो मेरे इतने परसेंट जो ट्रैफिक है वो सिर्फ ऑर्गेनिक ट्रैफिक है। आप इसको चाहे तो और भी इसमें कनेक्ट कर सकते हैं कि आप नहीं चाहते कि ऑल यूजर का डेटा दिखे, सिर्फ ऑर्गेनिक का दिखे, तो आप ऑर्गेनिक भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऑर्गेनिक ना दिखे, आपको सिर्फ पेड ट्रैफिक का डेटा दिखे, तो आप वो ये भी यहाँ कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपको वेबसाइट पर सर्च ट्रैफिक पता करना चाहते हैं कि आपको वेबसाइट पर सर्च ट्रैफिक कितना आ रहा है, तो वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपने डेटा को रीड कर सकते हो। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है दोस्तों गूगल सर्च कंसोल और गूगल एनालिटिक्स में, और यही रीज़न होता है कि आपको गूगल एनालिटिक्स और गूगल सर्च कंसोल में जो डेटा होता है वो डिफरेंट दिखता है। काफ़ी कुछ आपको नया सीखने को मिला होगा। तो अभी ये कन्फ्यूजन रहता है कि गूगल एनालिटिक्स और गूगल सर्च कंसोल एक ही होता है, जबकि ऐसा नहीं है। साथ ही ज़्यादा कॉमेंट जरूर करिएगा, अगर आपको कुछ भी नया सीखने को मिला है तो आप प्लीज़ कॉमेंट जरूर करिए। अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप कॉमेंट करके पूछिए, क्योंकि मैं पर्सनल बहुत कम रिप्लाई करता हूँ और कमेंट में ज़्यादा रिप्लाई करता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि और भी लोगों को अगर उस टाइप का कोई कन्फ्यूजन हो तो उनको बिना पूछे ये चीज़ पता चल जाए। तो साथ ही साथ सिर्फ आपको हेल्प ना हो और लोगों को भी हेल्प होती है, इसलिए कमेंट जरूर करिए। अब प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आप इसी तरीके के और भी बहुत सारे वीडियोज़ मैं आपको देता रहूँगा। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।